हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज की वीडियो का टॉपिक इंट्रोडक्शन है, जो कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अब बनाऊंगी। कुछ तो मेरे घर के कारण मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी न्यू घर बन जाएगा तब जाके मैं इंट्रोडक्शन वीडियो डालूँगी। लेकिन आप लोगों के मतलब है ना, पहले और ये आप लोगों की वजह से ही है कि आज मैं आप लोगों के सामने इतना आने लगी हूँ और आज इंट्रोडक्शन वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि ना आप लोगों का एक एक कमेंट मुझे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा या जैसे भी करते हो, मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तब जाकर मैं यहाँ मतलब आप लोगों के सामने बैठी हुई और बात कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग अगर मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देखेंगे ना, तो सब कुछ तो इतना अच्छा है, सब कुछ मतलब मैं आवाज़ एकदम डरी डरी सी मैं बनाती रही वीडियो पहले, बहुत डर डर के कि ऐसा लगता था जैसे बहुत ही मतलब डर बैठा हुआ है। तो ना मैं ठीक से बोलती थी ना बात करती थी, मतलब उस तरीके से मैं अच्छे से नहीं बनाती थी। लेकिन टाइटल और थंबनेल अगर आप लोग देखेंगे ना पुराने वीडियोज़ में, तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा खुल के आने लगी हो, और सब आप लोगों की वजह से ही है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन। तो आज मैं सब चीज़ें बताऊंगी आप लोगों से मेरे बारे में, कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, कहाँ से हूँ, मेरे ससुराल के बारे में, और मैं क्या करती हूँ, मेरी जॉब क्या है, मेरे पति की जॉब क्या है, सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने देखिए इसमें लिख कर भी रखा है, क्योंकि है ना फिर मैं भूल जाती हूँ। आप लोगों को पता है मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, तो मैंने इस पर लिख के रखे हैं, पूरा पेज भरा हुआ है और अभी और बाकी हैं जो मैं लिख नहीं पाई हूँ, तो मैंने लिख के रख लिया है। और इस हो सका कोशिश पूरी करूँगी कि इस वीडियो में पूरे मतलब बहुत सारे जितने भी आप लोगों के डाउट्स क्लियर, सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर कर सकूँ। उसके बाद अगर नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मेरा नाम आप लोगों को पता ही है, चैनल का नाम, मेरे चैनल का नाम है कशिश व्लॉग रियल लाइफ, और मेरा नाम है ज्योति। तो मेरा नाम, मैंने कशिश नाम क्यों रखा, क्योंकि मुझे शुरू से ही स्टार्टिंग से मुझे मतलब जब शादी होकर आई थी तो कार्तिक हुआ था, तभी मुझे मतलब एक होती है ना कि बेटी हो या बेटा जो भी, तो कशिश मतलब सोच के रखा था कि जो भी होगा तो कशिश रखूँगी, तो इसलिए मुझे कशिश नाम बहुत पसंद है। और मेरा नाम भी अच्छा है, मैं यही रख सकती थी चैनल का नाम, लेकिन सब लोग अपने अपने चैनल का नाम रखते ही हैं, इसलिए मैंने कशिश नाम मतलब अलग से रखा। तो ये रहा कशिश नाम। और मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं MP मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ, एक छोटे से शहर जबलपुर ग्वारीघाट रोड पे रहती हूँ। और यहाँ पर मैं पता मेंशन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, आप लोग समझ सकते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं या नहीं, लेकिन मैं नहीं कर सकती, सॉरी। तो आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। और मैं क्या जॉब करती हूँ और मेरी एजुकेशन क्या है, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और भगवान की कृपा से मैंने पूरी पढ़ाई की हुई है। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट मैंने शादी के पहले कर लिया था और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर आकर किया है ससुराल में। तो मेरे हस्बैंड ने कंप्यूटर बैचलर कंप्यूटर PGDCA से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पूरा नॉलेज है मुझे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मतलब यूट्यूब पर आने के लिए। तो ये मेरी एजुकेशन है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। और पोस्ट ग्रेजुएट मैंने कब किया ये भी बताती हूँ, कार्तिक मेरा जब हो गया था ना, तो कार्तिक पैदा हो गया था, 4 साल बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, सन 2015 में, और ऐसा हुआ है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन है, हाँ मैं मेरी एजुकेशन क्या है, ऐसे भूल जाती हूँ मैं, और मैं क्या जॉब करती हूँ, तो मेरी जॉब आप लोगों को पता ही है, मैं पापड़ बनाती हूँ, मैं लिज्जत कंपनी में पापड़ बनाती हूँ। शुरू से ही हमारे मतलब मम्मी के यहाँ से ये काम होता आया है, तो मैंने सीखा हुआ था, मैं ही करती थी। तो मैं बहुत ही कम उम्र से बहुत ही मतलब
काम करती हूँ, पैसे कमा रही हूँ। तो मुझे मैं यूट्यूब पर इसलिए भी आई थी, आप लोगों ने पूछा कि यूट्यूब पर मैं क्यों आई, तो कैसे आई हूँ, तो यूट्यूब पर मैं पैसा कमाने नहीं आई थी, तो उसका भी मैं आप लोगों को अभी आंसर दूंगी। और उसके बाद, और मेरे पति क्या काम करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं? मेरे पति एक प्राइवेट जॉब करते हैं, जो कि बहुत ही छोटी सी जॉब है, लेकिन हम दोनों की मेहनत से और हम दोनों के काम से घर चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी तो ऐसा लगा ही रहता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। और उनका टाइम क्या है जाने का? तो पहले दोनों टाइम लगता था, लेकिन अब 2-3 साल हो गए हैं कोरोना के पहले से, तब से एक ही टाइम जाना होता है। तो 6 बजे से 9 बजे तक मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते हैं। और कितने बच्चे हैं मेरे? तो मेरा एक ही बेटा है, आप लोगों को पता ही है, जो आप लोगों को हर वीडियो में मिलेगा, तो जिसका नाम है कार्तिक, एक ही बेटा है, वो 10 साल का हैगा। और पापड़ में कितना पैसा मिलता है? तो देखिए, पापड़ का ऐसा है कि जितना हम काम करेंगे उतना ही पैसा मिलता है, उसमें कोई फिक्स मेरी पेमेंट नहीं है, मजदूरी के हिसाब से है, जितना हम मजदूरी कर सकते हैं उतना हमको मिलेगा। तो उसमें ऐसा है तो मैं फिक्स नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ऊपर नीचे मेरा हर हफ्ते होता रहा, इसमें हफ्ते में मिलता है मुझे पैसा, तो ऐसा है। और मेरी फैमिली, तो आप लोगों ने मेरी फैमिली के बारे में पूछा है, तो आपने एक फैमिली पूछी है या दोनों, मतलब मायके या ससुराल की? कोई बात नहीं, मैं दोनों फैमिली के बारे में आज आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ससुराल की फैमिली से। तो मेरे ससुराल में हम लोग, मतलब मेरे सास ससुर हैं और 2 देवर हैं, मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ी मैं हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं और 2 देवर हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है। और अच्छा परिवार है, मेरा पूरा परिवार है मेरा, और नन वगैरह तो है नहीं, बस 3 भाई हैं। और मायके की फैमिली में मैं 5 भाई बहन हूँ, तो मैं वहाँ पर भी बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। और यहाँ पर 3 बहनें हैं हम लोग और 2 भाई हैं, जिसमें 3 की शादी हो गई है, 2 अभी छोटे वाले बाकी हैं, 1 भाई 1 सिस्टर बहन। तो ये परिवार है और मम्मी पापा हैं। तो बस ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, कितने भाई बहन हैं, और अभी 1 सिस्टर की। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि मैंने अपना चैनल कब से स्टार्ट किया था? तो ये मैं बता देती हूँ, मैंने अपना चैनल 2019 में स्टार्ट किया था, अगस्त में मैंने खोला था, और सितंबर में 2019 सितंबर में मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था। तारीख मुझे, मतलब डेट मुझे याद नहीं है, तो मैंने ऐसे खोला था और फिर मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, जिसमें मैंने वॉइस नहीं दिया, शायद आप लोग देख सकते हैं, वॉइस नहीं दिया है, ऐसे ही बिना वॉइस के बनाई है। और मैंने यूट्यूब, मतलब किस वजह से स्टार्ट किया? देखिए, ये क्वेश्चन तो खैर किसी ने किया नहीं, लेकिन मैं अपने उससे बता रही हूँ कि आप लोगों को, मतलब एक वो मिल सके, जो भी अगर आप लोगों के मोटिवेट जो भी हो सके, कि मतलब मैंने चैनल, कोई मतलब वो नहीं रहा कि मैं यहाँ पर आऊँगी यूट्यूब पर काम करूँगी, या मुझे इतना नॉलेज था, ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही मैंने किसी का देख के किया है, कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी का, ये है कि शुरू से ही मैं बहुत मतलब शादी के पहले से ही मैं यूट्यूब वगैरह ये सब देखती रहती थी, चैनल्स वगैरह कुछ भी घर में सीखती थी ना बैठकर, तो कुछ भी चीज़ें, और सारी चीज़ें मैं सीखी हुई हूँ। तो मुझे इतनी नौकरी, मतलब पैसे कमाने के लिए मुझे कोई नौकरी वोकरी की ज़रूरत नहीं थी, मैं बहुत सारे ऐसे, इतने सारे मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, मैंने सब में पैसा कमाया है, या सिलाई में, हर चीज़ में, तो मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते थे कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद पापड़ बनाती है, मतलब पढ़े लिखे लोग सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, पापड़ नहीं बना सकते। तो ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जहाँ पर पढ़ी लिखी लड़कियाँ, औरतें जो भी हैं, हम महिलाएं, वो सिर्फ नौकरी ही कर सकती हैं? और नौकरी करो या काम करो, मजदूरी करो, पैसा तो सभी में मिलता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि पढ़े लिखे को, मतलब छोटा काम नहीं कर सकती हैं, और हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बार में बड़ा बन जाए,
तो छोटा से ही सीख सीख के सारा काम हो पाता है। तो ये रही बात, ये है कि मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, काम तो सभी में करना होता है और सब में मेहनत लगती है। सरकारी नौकरी भी हो चाहे प्राइवेट हो, तो सब लोग मेहनत करते हैं। तो जिनकी सोच है ना कि पढ़े लिखे पापड़ नहीं बना सकते हैं, सिलाई नहीं कर सकते ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। और आप लोग अपने अपने हुनर को देख के इंसान काम करता है, और पढ़ा लिखा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हुनर होता है ना, तो वो इंसान पढ़े लिखे हो नौकरी हो, वो आगे पहुंच ही जाता है चाहे वो कोई भी हो। तो मैं भी क्यों ना एक नौकरी जैसा ही, मतलब नौकरी तो मैं करती हूँ, मुझे कोई वो नहीं होता है, बुरा नहीं लगता है, और मुझे बहुत वो होता है कि अच्छा है मैं घर बैठ के काम करती हूँ। और मैं जॉब क्यों नहीं करती हूँ, जॉब मतलब ये क्वेश्चन तो आता रहा आप लोगों के बहुत सारे कि मैं जॉब क्यों नहीं करती हूँ। तो देखिए, मैं कार्तिक बहुत छोटा था और मैंने शुरू से ही बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं इसीलिए कार्तिक को छोड़कर, मेरी फैमिली को छोड़कर मैं बाहर जाकर जॉब नहीं करना चाहती थी। और मैं यही चाहती थी कि मैं घर बैठकर ही कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं कर सकूं। तो मेरे पास तो वैसे भी काम था ही, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैंने और बिजी रखने के लिए, अपने आप को और बिजी रखने के लिए, क्योंकि आलतू फालतू की, वैसे भी मैं एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ, तो पता ही आप लोगों को मोहल्ले में और जो कॉलोनी हो तो उसमें कितना फ़र्क होता है। तो इस वजह से मैं बिजी रखने के लिए मैंने और काम शुरू कर दिया कि मैं कि यहाँ की ना सुनूंगी ना कुछ होगा, तो मैंने ऐसा इसलिए स्टार्ट किया। और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इतनी मतलब आप लोग खुद बोलते हैं कि कितना बिजी रहते हो आप। और हाँ, तो यहाँ पर होते हैं मेरे सारे क्वेश्चन ख़त्म। और आप लोगों के बहुत सारे इतने क्वेश्चन आते हैं कि दी मुझे भी बताइए कि आपने चैनल कैसे स्टार्ट किया, कैसे बनाते हो, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से मैं सब कुछ बता दूंगी। और क्योंकि मेरे न्यू सब्सक्राइबर फ्रेंड्स लोग जो भी जुड़ते हैं, तो वो भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो मैं जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का एक एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है ना कि आज मैं यहाँ तक आ पाई और आप लोगों से आज बात कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को थोड़ा सा टाइम दिया देखने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत। तो चलिए, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।